अस्ते कत टाका दिएछेन इस औरत ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच के मोबाइल ले लिया और रील बनाना शुरू कर दी। हाँ भैया बहुत शौकीन थी ये रील बनाने की, इसको शौक था कि मैं मशहूर हो जाऊं, डांस करूं, वीडियो का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट होगा, लोग ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये इस कमबख्त की सोच थी। ये सोच के इसने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया और मोबाइल ले लिया और रील बनानी शुरू कर दी। पुलिस ने आकर दबोच लिया इसको। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। लोगों ने जब सुना कि इस औरत ने अपने बच्चे को बेच के मोबाइल ले लिया है, लोगों ने भैया फिर पुलिस को कम्प्लेन कर दी। बोला कि भाई ऐसा वाक्य हुआ वेस्ट बंगाल में, पुलिस आई, उसने इसको पकड़ा और साथ इसके हस्बैंड को पकड़ा, दोनों ने मिलके बेचा था। दोनों चाह रहे थे कि भैया कोई एक फेमस हो जाए, यानी कि इसकी बीवी जिसको रील बनाने का शौक था वो फेमस हो जाए या इसका शौहर फेमस हो जाए। शौहर कैसे फेमस होगा बच्चे को बेच के। अब एक कमबख्तो क्या तुम लोग काम कर रहे हो, ये कोई काम करने के हैं, ये कोई इंसानियत के काम है, ये तो शैतानों वाले काम है। बच्चे बेच रहे हैं रील बनाने के लिए, भैया डांस मुजरा करेंगे, टिक 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 नाचेंगे, रील बनाएंगे और मशहूर हो जाएंगे, अपने बच्चे नहीं संभालेंगे हैं, बच्चों को बेचो, आईफोन लो और भैया नाम कमाओ। बहुत ही दर्दनाक वाकया है दोस्तों, ये मस्ती मजाक तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं, बहुत दुख हो रहा है इस वाक्य के ऊपर, इसी वजह से हम ये वीडियो बनाने के लिए आए। आप लोगों को ये कैसा वाक्या लगा कि एक माँ ने बच्चे को भेज दिया 6-8 महीने के सिर्फ मोबाइल लेने के लिए, अपने रील बनाने के शौक को पूरा करने के लिए बच्चे को भेज दिया। ये नहीं कि इसका जो कमबख्त शौहर था वो मेहनत करता, मेहनत करके पैसे कमाता, उन पैसों से फिर मोबाइल लेके आता, आईफोन लेके रील बनाएंगे, हाँ वो फोन लेके आता फिर ये रील बनाती है मोटी कमबख्त, तो फिर मजा आता। अब ऐसे बच्चे को बेच के रील बनाएगी तो भैया इसके जब ये ठुमक ठुमक नाचेगी ऐसे से तो इसके पाँव नहीं लड़खड़ाएंगे, हैं इसके पाँव के नीचे बच्चे की आवाजें नहीं आएंगी, हैं अम्मा कागरा मन ने बेच दिया तन्ने, हैं एक अगर मम्मा री मम्मा मन ने बेच दिया रे तो न अपनी रील बनाने के चक्कर में कमबख्त मारी।